बहुजन बुद्धिजीवियों की बड़ी जीत, बहुजन बुद्धिजीवियों की मुहिम लाई रंग, इतिहास में पहली बार आरएसएस बैकफुट पर, आरएसएस ने सोशल मीडिया अकाउंट की प्रोफाइल बदली, आरएसएस ने लगाया प्रोफाइल में तिरंगा। नमस्कार साथियों, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं जनिताबाज। पिछले कुछ दिनों पहले भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने घर घर तिरंगा अभियान चलाया। इस अभियान के सामने आते ही देश भर के तमाम बुद्धिजीवी, विपक्षी पार्टियों के नेता एवं देश के हर एक आम नागरिक प्रधानमंत्री मोदी जी के घर घर तिरंगा अभियान को लेकर उन्हें सोशल मीडिया से लेकर सड़क पर घेरते नजर आए। सोशल मीडिया पर तमाम यूजर्स ने पिछले कई दिनों से कैंपेन चलाकर आरएसएस की संकीर्ण विचारधारा को जनता के सामने रखा। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना था कि भले ही हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी घर घर तिरंगा अभियान चला रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस विचारधारा को मानते हैं, जिस विचारधारा को उनकी पार्टी मानती है, वह संगठन यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस नागपुर में अपने हेडक्वार्टर पर व सोशल मीडिया अकाउंट पर कभी भी तिरंगा नहीं लहराएंगे या फहराएंगे। लेकिन साथियों, इस मामले में नया मोड़ तब आया कल 12 अगस्त की शाम को आरएसएस ने अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट की प्रोफाइल को बदलकर उसमें तिरंगा लगा दिया है। लोगों की माने तो यह इतिहास में पहला मौका है जब भारतीय नागरिकों के सामने आरएसएस की विचारधारा बैकफुट पर नजर आई है। आखिर आरएसएस को अपनी प्रोफाइल में तिरंगा लगाना ही पड़ा। अब देखना यह बाकी है, क्या 15 अगस्त को आरएसएस अपने मुख्यालय नागपुर में भी तिरंगा फहराएगा या नहीं। आरएसएस द्वारा प्रोफाइल चेंज करने पर वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर दिलीप मंडल लिखते हैं कि मेरी मुहिम सफल हुई। आरएसएस ने पहली बार अपनी डीपी यानी प्रोफाइल पिक्चर पर राष्ट्रीय झंडा लगाया है। सभी संगियों को बधाई, यह बेहद खुशी का मौका है। इस तरह साबित होता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस भी राष्ट्रभक्त है। जिस प्रकार से दो दिन पहले ही बीजेपी को बिहार की सत्ता से बेदखल किया गया है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काला जादू वाला बयान सामने आया है और अब आरएसएस द्वारा प्रोफाइल पिक्चर बदलना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए खतरे की झंडी की ओर इशारा करती है। क्योंकि जो लोग देश के आम नागरिकों से जनहित के मुद्दों पर सवाल करने पर, जनहित की आवाज उठाने पर उन्हें राजद्रोही या राष्ट्रद्रोही साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, आज वही संगठन, वही बीजेपी की विचारधारा बैकफुट पर आई है और खुद इस संगठन को यानी कि आरएसएस को अपनी राष्ट्रभक्त साबित करने के लिए आखिर अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर तिरंगा लगाना ही पड़ा। ये सब कुछ संभव हो पाया है देश में जागरूकता बढ़ने से। तमाम जो बुद्धिजीवी हैं और वो अपने अपने स्तर से, तमाम सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक इस बात को बड़ी मजबूती से रखा, आरएसएस की संकीर्ण विचारधारा के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और कहीं ना कहीं विपक्ष भी पिछले कुछ दिनों से थोड़ी मजबूती से सामने आया है। शायद इन सभी कारणों से आरएसएस को बैकफुट पर जाना पड़ा। इस पूरे मामले पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आप देखते रहिए जनता आवाज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों में शेयर करना ना भूलें और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि हम लेटेस्ट कोई भी खबर डालें तो सीधे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, नमस्कार।